तो दोस्तों जूही चावला ने शाहरुख खान को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां, जूही चावला आईपीएल मैच शाहरुख खान के साथ देखना पसंद नहीं करती है, ऐसा उन्होंने खुद बताया है। दरअसल शाहरुख खान, जूही चावला और उनके पति जय मेहता तीनों ही कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर्स है। कई मौकों पर जूही और शाहरुख खान स्टेडियम में साथ में अपनी टीम को चीयर करते दिख गए हैं, मगर अब जूही और शाहरुख खान साथ नजर नहीं आते। जबकि जूही शाहरुख खान के साथ अपनी टीम का मैच नहीं देखना चाहती, की वजह से जूही ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया। मुंबई में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची जूही चावला ने एक न्यूज एजेंसी ने आईपीएल 2024 के मैचों के बारे में बात की। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, आईपीएल हमेशा रोमांचक होता है, हम सभी अपने टेलीविजन सेट के सामने होते हैं। जब हमारी टीम खेलती है तो उन्हें देखना दिलचस्प होता है और हम सभी बेहद तनाव में होते हैं। उनके यानी शाहरुख खान के साथ मैच देखना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही होती है तो वह अपना गुस्सा मुझ पर ही निकालते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि वो ये बात मुझे नहीं बल्कि टीम को बताए। मुझे लगता है कि यही बात कई टीम ओनर्स पर भी लागू होती है। जब उनकी टीम खेल रही होती है तो उन सभी को पसीना बहाते हुए देखा जा सकता है। आप इस वीडियो की एक झलक यहाँ देख सकते हैं। आप शाहरुख सर के साथ भी मतलब स्टेडियम में रहते, तो उनका फीलिंग कैसा रहता है? नहीं, वो बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि बहुत टेंशन में होते हैं सब और वो और टेंशन में होते हैं। और अगर टीम नहीं अच्छा खेल रही है तो वो मुझे डांटते हैं। मुझे, मैं क्या कर सकती हूँ? हम स्टैंड में खड़े हैं, मुझे बोले ये बॉलिंग ठीक नहीं हो रही है, दे आर नॉट बॉलिंग टू द फील्डिंग पोजीशन। भैया मेरे को मत बताओ, आप टीम को बता दो। बता दे, शाहरुख खान और जूही चावला करीबी दोस्त हैं। शाहरुख खान और जूही चावला बॉलीवुड में देखी जाने वाली सबसे हिट जोड़ियों में से एक है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। इन फिल्मों में डर राजू बन गया जेंटलमैन, राम जाने यस बॉस डुप्लीकेट, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, 1, 2 का 4 और भूतनाथ शामिल है। इसके अलावा दोनों लोगों ने मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी, उसी के तहत यस बॉस भी बनी थी। बाद में वह रेड सीरीज एंटरटेनमेंट में तब्दील कर दी गई। हालांकि अब रेड सीरीज से जूही चावला का कोई लेना देना नहीं है। वैसे दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी एसआर की डाई हार्ट फैन है तो ऐसे ही शाहरुख खान से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।